हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्कर्ट प्लाजो कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से स्टिचिंग की जाती है और किस तरीके से इसकी कटिंग होती है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। ऊपर की साइड हमने इस तरीके से ये इलास्टिक डाली हुई है फ्रंट और बैक में, ये हमारा आसन वाला पॉइंट हो जाता है और ये पूरा ओरेब में कटिंग होता है। तो आप नीचे की साइड भी देख रहे हो कितनी प्यारी सी यहाँ पे फिनिशिंग आती है और ये पूरा स्कर्ट प्लाजो वाली सेब आती है, पूरा घेर जिसको बोलते हैं। तो आइए सीखते हैं इसकी कटिंग कैसे करते हैं और कैसे स्टिचिंग की जाती है। तो दोस्तों, जो आपने स्कर्ट प्लाजो देखा है उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये फैब्रिक लिया हुआ है, ये है हमारे पास 3.25 मीटर, 2.5 मीटर से थोड़ा ज़्यादा है, ये है हमारे पास 3.25 मीटर फैब्रिक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं। देखिए, जो लेंथ है हमारी, लंबाई जो होगी वो रखनी है हमें 38 तैयार, और यहाँ पे जो मोरी, हम जैसे स्कर्ट प्लाजो जो बनाया जाता है तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा निकालते हैं उतनी रखते हैं, लेकिन जो साइज के हिसाब से जैसे भी सेट बैठती है मैं वहाँ पे आपको कटिंग करते वक्त बता दूंगा कि हमें कितनी रखनी चाहिए। और यहाँ पे जो कमर का नाप चाहिए होता है हमारा, जो कमर का नाप है हमारा 32 इंच है। हिप वगैरह का नाप, जो हिप का नाप होता है हमें यहाँ पे नहीं चाहिए होता। अगर आप स्कर्ट प्लाजो बनाते हो कमर के नाप से ही हम सेटिंग कर लेते हैं कि कितना हमें यहाँ पे लूजिंग रखना होता है, तो यही नाप हमें चाहिए होता है। ये सबसे पहले मैं आपको याद करा देता हूँ, आपने हिप वगैरह का नाप यहाँ पे नोट नहीं करना होता है। तो अब मैं यहाँ पे, जैसे ये कपड़ा होता है जो हमारे पास है 3.25 मीटर, तो सबसे पहले ये काफ़ी कॉमेंट आते हैं कि सर हमें इसको फैलाने का अच्छे से तरीका बताया जाए। तो यहाँ पे जो अम्ब्रेला सेब कुर्ती कटिंग करते हैं तो वो भी इसी तरीके से फैलाते हैं कपड़े, या एक ट्रायंगल सेब में भी आप बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको पेपर के ऊपर बता देता हूँ किस तरीके से कपड़े को बिछाना चाहिए। देखिए, ये जैसे हमारे पास पेपर है, इस तरीके से आप ये समझे कि ये हमारी इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक यहाँ पे जो टोटल लेंथ है हमारी 2.5 मीटर है, 2.5 है 2.75 है, मतलब इस तरीके से लेंथ है। तो हम 2.5 मीटर मान के चलेंगे, तो इसको हम ऐसे यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, ऐसे। तो ये हमने यहाँ पे डबल फोल्ड कर लिया है। तो डबल फोल्ड करने के बाद, इसके बाद आपने यहाँ पे ध्यान देना है, हमें ट्रायंगल सेब, इस सेब में इसको बिछाना होता है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से ऐसे फोल्ड लगाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे फोल्ड लगाना होता है, और फोल्ड लगाने के बाद ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो ऐसे ट्रायंगल से, ऐसे अपनी साइड यहाँ पे कर लेते हैं। इसके बाद जब हम ऊपर से यहाँ पे कमर का, यहाँ पे आएगी हमारी कमर, यहाँ पे वेस्ट आएगी, ये ध्यान रखे, और यहाँ पे हमारा घेर आएगा और इस पॉइंट पे आएगा आसन। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जितना भी हमें ऊपर से लेना होता है तो उसका मैं आपको वहाँ परफेक्ट तरीका बताऊँगा, लेकिन आप ये ध्यान रखें, जैसे हमारा यहाँ पे 3.5 इंच यहाँ पे है, तो हम 3.5 इंच इस साइड में इस तरीके से लेकर के जाएंगे, और यहाँ पे हमारी ये गोलाई आ जाएगी, ये हमारी यहाँ पे गोलाई आ जाएगी ऐसे। इसके बाद हम इस गोलाई के ऊपर यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पे लगाएंगे आसन का निशान, ये हमारा यहाँ पे आएगा आसन वाला पॉइंट, जितना भी आपने आसन रखना है मैं जब रखूंगा तो आपको बता दूंगा, ये हमारा आसन वाला पॉइंट आ जाएगा, ये हमारा आसन कट चुका है। इसके बाद हमें नीचे लेंथ जो लेनी है, ऊपर की साइड आपने इंच टेप निकालना है लास्टिक के लिए, तकरीबन हम 1/2 इंच या 1/4 इंच निकालते हैं ताकि हम लास्टिक अच्छे से डाल लें, और जितनी भी आपकी लेंथ है उस हिसाब से, जैसे 12 इंच है तो यहाँ पे 12 इंच पे हम एक निशान ऐसे लगा देते हैं, और यहाँ से हम ये देखेंगे तो 11.25 इंच है, तो 11.25 पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे दोस्तों मेरे पास कि आप अच्छे से समझाओ, तो मैं इसीलिए पेपर पे यहाँ पे आपको एक बार कटिंग ये सिखा रहा हूँ, और इन निशानों को हम आपस में यहाँ पे मैच कर लेते हैं। इसके बाद आपको फुल घेरा चाहिए, तो हमारा घेरा ये फुल रहेगा ऐसे, अगर आपको थोड़ा कम करना है तो आप इस पॉइंट पे ले ले इस तरीके से, ये आपकी इच्छा है कि घेरा आपको यहाँ पे कितना रखना है। और यहाँ पे मैं हमेशा आपको जैसे बताता हूँ, ये वाला जोड़ हमें लगाना होता है, ये जोड़ वाला पार्ट मैंने ऊपर रखा है, कई बार ये नीचे आ जाता है, तो आप ये ध्यान रखें, और यहाँ पे हम इसी शेप में कर लेंगे कटिंग, और जितना भी आपको घेर रखना है उस हिसाब से यहाँ पे आप इस साइड से कटिंग कर लें। तो ये देखिए, हमारा स्कर्ट जो है इस तरीके से आ जाएगी,
तो ये देखिए कितनी प्यारी सी हमने, ये दोनों साइड दोनों पैर आएंगे, एक साइड का ये आएगा और एक साइड का ये आएगा। जब हम इसको यहाँ पे तैयार करेंगे तो तैयार करने के बाद यहाँ पे हमारा जोड़ आएगा जैसे मैंने बताया था। तो तैयार करने के बाद हमारा इस तरीके से ये पॉइंट ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे ये आसन जुड़ेगा और आसन जुड़ने के बाद हमारा घेर ऐसे तैयार आ जाएगा अलग अलग पोंछों में। तो ये तरीका होता है कपड़ा बिछाने का। तो जैसे मैंने यहाँ पे पेपर बिछाया है इसी तरीके से मैं इस कपड़े को बिछा लेता हूँ। दोस्तों ये देखिए हमने कपड़ा यहाँ पे ट्रायंगल शेप में इस तरीके से बिछा लिया है। तो नीचे की साइड हमारा आड़ा कपड़ा रहेगा और ऊपर की साइड यहाँ पे ये कन्नी वाला रहेगा और ये हिस्से हमारे बंद रहेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला फैब्रिक बिछाया था, मतलब ये वाला पेपर बिछाया था, वैसे ही हमने इस फैब्रिक को सेट कर लिया है। और इसमें मैं आपको बताऊं नीचे की साइड यहाँ पे जोड़ आएगा। हमेशा आप ध्यान रखें अगर जोड़ आता है तो उसको लगा ले, ये ना सोचे कि जोड़ हमारा गंदा लगेगा, गंदा नहीं लगता है। जैसे यहाँ पे पैटर्न में आप ये देख रहे हो यहाँ पे भी हमें जोड़ लगा के कंप्लीट करना है, तो इसी तरीके से इस पीस में भी कंप्लीट करना होता है। अब आ जाते हैं ऊपर की साइड, मेन साइज हम किस तरीके से लेते हैं। देखिए जितना हमारा नाप होता है कमर का नाप जैसे हमारा 32 इंच है, तो इसका हम चौथे भाग पे पहला निशान लगाएंगे। यहाँ पे एक आइडिया के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम 8 इंच पे 8 चौक 32, तो इसका 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 इंच हो जाएगा हमारा 8 इंच पे। इसके बाद हमारा आगे की साइड यहाँ पे 2.5 से 3 इंच कपड़ा बचना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। 2.5 से 3 इंच की हमें यहाँ पे कपड़े की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हमारा कपड़ा बिल्कुल ठीक है इस पॉइंट पे। तो इसको हम यहाँ पे एक तरीके से, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, हमने यहाँ पे ये सीधा निशान लगा लिया है, ये सीधा निशान लगा लिया है। तो ये यहाँ से हमारी लेंथ स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर की ये वाली जो गोलाई है ये यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो इस पॉइंट से देखिए यहाँ पे नोक पे मैंने रख लिया है इंच डेढ़ और यहाँ पे आ रहा है ये हमारा 13.5 इंच 13.5, और 13.5 को यहाँ पे हम इस तरीके से आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरीके की हमारी यहाँ पे ये गोलाई आने वाली है। ये निशान जो है मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया है और ये निशान हमारा यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब हमें इस निशान से यहाँ पे देखना है, पहला निशान यहाँ पे 8 इंच पे हमारा यहाँ पे कितना आता है। तो यहाँ पे हम ऐसे चेक करेंगे तो ये हमारा 8 इंच पे यहाँ पे आता है। आगे की साइड हमारा कपड़ा ये कम बचता है तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे की साइड बढ़ा लेंगे, आधा इंच नीचे की साइड बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आगे की साइड हमें यहाँ पे कपड़ा जो चाहिए होता है कम से भी कम 2.5 इंच का ये वाला चाहिए होता है, 2.5 इंच का एक्स्ट्रा में, वही हमारी यहाँ पे लूजिंग होती है, ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ से चेक करते हैं, पहला निशान हम लगा लेते हैं 2.5 इंच पे और यहाँ से हमारा ये आना चाहिए 8 इंच, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो देखिए यहाँ पे निशान हमारा इस तरीके से ये आ जाएगा जिस निशान पे हमें कटिंग करना है। तो ये तरीका होता है कटिंग का। सबसे पहले मैं आपको यहीं पे कटिंग करके ये दिखा देता हूं। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे कटिंग इस तरीके से कर ली है, ऐसे कटिंग आएगी आपकी और परफेक्ट रहेगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे आसन पे। तो 11.5 इंच पे हमने यहाँ पे ये आसन का निशान लगा लिया है और इस साइड से यहाँ पे ये ध्यान रखें, इस साइड से हम यहाँ पे 2 इंच पे लगाएंगे ऐसे। तो इस निशान को हम यहाँ पे इस तरीके से लगा लेते हैं और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई, तो ये आएगा हमारा यहाँ पे आसन। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको आसन का बता देता हूँ। जितनी हमारी लेंथ होती है, लेंथ है हमारी 38, ठीक है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9.5, प्लस इसमें 2 इंच करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11.5 इंच। तो 11.5 इंच पे हमने आसन रखा है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं कि थोड़ा लूज चाहिए होता है तो हमें 2.5 इंच की लूजिंग देनी होती है, लेकिन जो हमारे ओरेव वाली स्कर्ट प्लाजो कटिंग होते हैं इसमें 2 इंच अगर हम एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं आसन चौथा भाग करके तो बिल्कुल परफेक्ट रहता है, क्योंकि ये सारा पीस हमारा ओरेव का आता है तो ओरेव में आसन ऑटोमेटिक ही लेंथ बढ़ जाती है। आपने देखा भी होगा जो ओरेव पट्टी होती है उसमें ओरेव पट्टी हमेशा बढ़ जाएगी लेकिन आडी और सीधी पट्टी नहीं बढ़ती, तो ये चीज हमारी थोड़ी ओरेब होती है, तो इसलिए आपका यहाँ पे 2 इंच का भी बिल्कुल अच्छा रहेगा, जैसे कि
38 का 4 से डिवाइड करेंगे 9 1/2, 2 इंच प्लस करने के बाद हमारा 11 1/2 तैयार यहाँ पे आ जाएगा, तो परफेक्ट होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रहेगी। तो देखिए मैंने ऊपर का यहाँ पे अच्छे से आपको समझा दिया है। अब आ जाते हैं लेंथ के ऊपर। तो लेंथ मैंने यहाँ पे बताया था 1/2 इंच हमें आसान इंची टेप ऊपर की साइड निकालना है और यहाँ से बिल्कुल सीधा इस तरीके से लेंथ का तैयार निशान लगा लेना है 38 इंच। इसके बाद नीचे हम फोल्ड के लिए लगाते हैं 39, हम कर लेंगे बारीक फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इस तरीके से। तो टोटल हमारा ये यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 38 इंच यहाँ पे ऐसे तैयार आ जाएगा। तो हम इस तरीके से हल्का हल्का सा यहाँ पे गैप लेंगे और 38 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। तो ये देखिए 38 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको अगर इन निशानों को एक दूसरे से पहले जोड़ लेते हैं, ये हमने निशान जोड़ लिए हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है घेर हमें कितना चाहिए। देखिए अगर किसी को फुल घेर चाहिए तो आप इंच टेप इस स्केल को ऐसे रखें, लेकिन इतना घेर हमें यहाँ पे नहीं चाहिए होगा, हम थोड़ा इसको कम करेंगे क्योंकि वो पहनने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कितना घेर उनको पसंद है। तो ये देखिए सभी निशान दोस्तों हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम घेर की बात करते हैं, तो घेर हम इस साइड से अगर नापते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे घेर आएगा हमारा 31 इंच। तो 60 इंच का 60 इंच का घेर हमारा एक साइड का पैर का आ जाएगा, और 60 इंच का घेर अगर किसी की हिप हमारी 45 भी हो तब भी हमें ये पूरा खुला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई इशू नहीं आएगा। हाँ अगर आप यहाँ पे बढ़ाना चाहते हो तो और ज्यादा बढ़ा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले नीचे से कटिंग करेंगे यहाँ पे ऐसे, ये देखिए ये हमने यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर ली है नीचे की साइड। इसके बाद हम यहाँ पे ये कटिंग करेंगे, ये हमने यहाँ पे ये कटिंग कर ली है और इसके बाद यहाँ पे ये आसन की कटिंग करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पे ये कटिंग बताई है। तो ये देखिए दोस्तों कटिंग तो हमारी इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, सिर्फ हमें एक जोड़ लगाना है नीचे की साइड। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये कपड़ा है इसमें लगाते हैं हम जोड़। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कपड़ा हमारा इतना होना चाहिए जो कि हम यहाँ पे अच्छे से ज्वाइंट लगा पाए। तो ऐसे इसको रखते हैं और यहाँ पे इस तरीके से ऊपर से ऐसे रख देते हैं यहाँ पे ये वाला भाग, और इसके बाद हमें यहाँ पे बिल्कुल बराबर बराबर कटिंग कर लेनी है। तो जैसे ऊपर वाला पल्ला है सेम वैसे ही हमारा यहाँ पे ये रहेगा और बराबर बराबर कर लेंगे कटिंग। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा जोड़, ये जोड़ आ जाएंगे दोनों। अब दोस्तों कटिंग हमारी जैसे कंप्लीट हो जाती है इसके बाद करते हैं हम स्टिचिंग। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया है कटिंग कंप्लीट करने के बाद अब हमें करनी है स्टिचिंग। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हम यहाँ पे जोड़ लगाते हैं, दोनों जोड़ हमें यहाँ पे इस तरीके से सीधे लगाने हैं, और दोनों जोड़ लगाने के बाद उसके बाद हमें आसन ज्वाइंट करना होता है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ जो ये हमारे पास जो हमने शुरू में पेपर कटिंग किए हैं ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो दोनों पीस में आपने ध्यान रखना है जो रॉन्ग साइड होती है वो ऊपर की साइड रखनी है, ये हमेशा ध्यान रखना है, और एक दूसरे पीस की रॉन्ग साइड नीचे की साइड रखनी है, ये मतलब ऐसे नीचे की साइड ऐसे, और ये वाली ऊपर की साइड सीधा आएगा यहाँ पे, और इसी तरीके से ये वाला, कहने का मतलब है बीच वाले पार्ट हमारे दोनों राइट रहेंगे और ऊपर नीचे के रॉन्ग रहेंगे, यहाँ पे ये रॉन्ग आएगा। जैसे ऐसे हम यहाँ पे इस तरीके से ये रखेंगे तो यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, इधर भी और इधर भी मार्जिन आपने 1/2 इंच का रखना है। तो दोनों आसन हमारे यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये
इस तरीके से ये कपड़ा है, ऐसे दोनों पीस है। तो आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इधर जोड़ लेते हैं, आधा इंच का मार्जिन लेते हुए दूसरा आसन ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे आसन जो है यहाँ पे ज्वाइंट कर दिए हैं इस तरीके से, और पूरी शेप हमारी ऐसे आएगी। ये देखिए फ्रंट और बैक का आसन होगा। यहाँ पे बैक साइड हमें वो रखना होता है जिसमें हमारे जोड़ लगे होते हैं, जिस पार्ट में जोड़ लगे हैं वो हम बैक साइड में रखेंगे। ये ध्यान रखिए, ये जोड़ लगे हुए हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे एक काम रह जाता है, एक तो हम यहाँ पे दोनों आसन को ऐसे मिलाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे ये साइड जोड़ लेते हैं, और नीचे से इसको बिल्कुल बारीक फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हमने ऊपर की साइड यहाँ पे लगानी है लास्टिक। तो यहाँ पे लास्टिक लगाने के लिए हमने एक पट्टी लेनी होती है जिसकी चौड़ाई हमारी तकरीबन 4½ होगी। यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे तो 4½ की यहाँ पे हमारी ये पट्टी होगी। इसको हम पहले यहाँ पे इस तरीके से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पहले तो हम ये पट्टी ज्वाइंट करेंगे, और ज्वाइंट करने के बाद इसके बाद जब हम इसको यहाँ पे फोल्ड करते हैं इस तरीके से, और इसके बीच में फिर हमारी यहाँ पे आ जाएगी लास्टिक। तो ये डालनी है हमें लास्टिक। अब यहाँ पे ऊपर की साइड लास्टिक डाल देंगे। लास्टिक कितने इंच की डाली जाती है मैं आपको यहाँ पे ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जितना भी हमारा वेस्ट का नाप होता है, 32 हमारा यहाँ पे वेस्ट का नाप है, इसमें से माइनस आप 3 इंच कर ले तो ये हो जाएगा हमारा 29 इंच। तो 29 इंच की हमें यहाँ पे चाहिए लास्टिक, जो कि हमें डालनी है। तो ये है लास्टिक, इस तरीके से यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए 29 इंच की हमने काट के रखी हुई है। तो यहाँ पे मैं पूरा जो स्कर्ट प्लाजो है ये कंप्लीट कर लेता हूँ, अम्ब्रेला प्लाजो है ये कंप्लीट कर लेता हूँ। ऊपर की साइड लास्टिक डाल लेंगे, और नीचे का मैंने बताया कैसे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मैं पूरा पीस आपको दिखाता हूँ कितना प्यारा सा हमारा ये तैयार हुआ है। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे पूरी स्कर्ट प्लाजो जो है ये रेडी कर लिया है। ऊपर की साइड लगाई है हमने यहाँ पे लास्टिक, आप देख रहे होंगे फ्रंट बैक में पूरी लास्टिक रहेगी, और ये पूरा इस तरीके से ग्रिप रहेगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरी शेप हमारी इतनी प्यारी सी आती है यहाँ पे, ये देखिए। और ये ज्वाइंट जो है ये हमने चीर लिए हैं, मतलब चीर के लगाए हैं, इस तरीके से चीरते हुए यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पे भी ये देखिए इस तरीके से पूरी पूरा का पूरा जो हमने ये सर्कल प्लाजो बोलते हैं इसको, अम्ब्रेला प्लाजो बोलते हैं, स्कर्ट प्लाजो बोला जाता है, तो पूरा पीस आपको रेडी करके दिखाया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।